नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एजुसेशन के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो Redmi Note 7 है वो ड्यूल 4G सपोर्ट करता है। इसका मतलब कि आप दोनों सिम में एक साथ 4G यूज कर सकते, दोनों सिम में। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों सिम पे 4G एक्टिव बता रहा है और ड्यूल VOLTE भी बता रहा है, मतलब दोनों सिम में VOLTE भी इनेबल है और दोनों सिम में 4G भी इनेबल है। तो मैं एक साथ दोनों सिम में 4G यूज कर सकता हूँ, ड्यूल VOLTE भी यूज कर सकता हो दोनों एक साथ। तो अगर आपको ये करना है आपके फोन में तो आप भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे जाते हो वहां पे आपको क्लिक करना है सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ड्यूल 4G। तो अगर आप इसे ड्यूल 4G इनेबल करते हो तो आपके जो दोनों सिम कार्ड है अगर 4G इनेबल्ड है तो दोनों सिम कार्ड पे 4G इनेबल रहेगा, 4G एक्टिव रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही सिम पे 4G यूज करना है, दूसरा सिम कोई 2G या 3G वाला सिम है उस पर आप 4G यूज नहीं करते, तो आप इसे डिसेबल कर लेना। क्योंकि अगर आप दूसरे सिम पे 4G यूज नहीं करते हो, दोनों सिम पे 4G यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आपने ड्यूल 4G एक्टिव रखा होगा, ड्यूल 4G इनेबल रखा होगा, तो आपकी बैटरी बहुत यूज होने वाली है। इसलिए अगर आपको बैटरी सेव करनी है तो आपको करना है ड्यूल 4G को डिसेबल, अगर आप दोनों सिम में एक साथ 4G का यूज नहीं करते। अगर दोनों सिम में 4G यूज करते हो तो अच्छी बात है, आप ड्यूल 4G को इनेबल रख सकते हो। दोस्तों, आपको ये शायद पता होगा कि Redmi Note 7 OTG भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आप बिना कंप्यूटर से कनेक्ट हुए जो फाइल अगर आपको ट्रांसफर करनी है USB ड्राइव से, पेन ड्राइव से, तो आप कर सकते हो। तो अगर अभी ये मेरे पास टाइप सी OTG है, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो हमें देखना है कि किस तरह काम करेगा। आप देखोगे कि अभी नोटिफिकेशन पे एक मैसेज आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है सैंडिस्क USB ड्राइव। इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपके फाइल्स है इसमें वो सभी फाइल्स आपको दिखाई दिए जाएंगी, और आप यही से सिलेक्ट करके मूव करना है या डिलीट करना है। ये से आप बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके आप जो भी ऑपरेशन, जो भी आपको प्रोसीजर करना है आप कर सकते हो यही से। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और जब आपको ये पेन ड्राइव, ये जो OTG निकालना है, तो आपको यहाँ पे इजेक्ट करना है ताकि ये सेफ रहे। तो इजेक्ट करके बाद में आप इसे निकाल सकते हो। तो इस तरह OTG यहाँ पे काम करता है। दोस्तों, जो Redmi Note 7 का डिस्प्ले है ये डॉट नोच डिस्प्ले है, आप देख सकते हो यहाँ पे नोच दिया हुआ है। तो आप जो आपके वीडियोज है, मूवीज है, आप फुल स्क्रीन में देख सकते हो, मतलब जो आपके वीडियोस है नोच के आजू बाजू में भी आप देख पाओगे। तो अगर मान लो आपको YouTube फुल स्क्रीन में प्ले करना है, तो जैसे आप YouTube पे जाते हो, अगर आप मान लो किसी भी वीडियो को प्ले करते हो तो आप देख सकते हो ये डिफॉल्टली ऐसे प्ले होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फुल स्क्रीन नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे काली पट्टी दिखाई दे रही है। अगर आपको इसे फुल स्क्रीन करना है, आपके नोच तक लेके जाना है, तो आप ये कर सकते हो। आपको पिंच करना है तो आप देख सकते हो अभी पूरी स्क्रीन में आपका वीडियो प्ले हो रहा है। तो इस तरह आप यूट्यूब पे पिंच टू जूम करके अच्छी तरह से मूवी का आनंद ले सकते हो या सॉन्ग देख सकते हो। दोस्तों, कई सारे लोगों को डार्क मोड चाहिए होता है, क्योंकि वो ज्यादा रात में फोन इस्तेमाल करते हैं तो लाइट ज्यादा होती है, अगर व्हाइट थीम यूज करते हैं तो इसलिए कई सारे लोगों को डार्क मोड यूज करना होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे सेटिंग में आपको डार्क मोड नहीं मिलता Redmi के फोन में, लेकिन आप एक थीम यूज करके डार्क मोड इनेबल कर सकते हो। तो जो भी आपका डायलर होगा, जो मैसेज होगा, जो भी गैलरी होगी, वो सभी जो होंगे उनका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, ये नोटिफिकेशन पैनल भी ब्लैक हो जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हो। आपको एक थीम डाउनलोड करनी है, आपको थीम स्टोर में जाके फ्लैट ब्लैक सर्च करना है, तो आप ये डाउनलोड कर लेना। और ये काफी अच्छी थीम है, जो पूरा बैकग्राउंड है ब्लैक हो जाता है, नोटिफिकेशन पैनल भी ब्लैक हो जाता है, कई सारे एप्स भी ब्लैक बैकग्राउंड के हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो क्विक टॉगल सेटिंग पूरा ब्लैक हो चुका है। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम अगर बढ़ाना हो, कम करना हो, ज्यादा करना हो, तो देखिए आप इसका इंटरफेरेंस भी चेंज हो गया है। वैसे अगर आप गैलरी में जाते हो तो गैलरी में आप देख सकते हो ये भी जो बैकग्राउंड है ब्लैक हो चुका है। और सेटिंग्स में जैसे जाते हो आप, तो सेटिंग्स में भी ये पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। तो आप इस तरह से ये डार्क मोड का यूज कर सकते हो। अगर आप रात में ये थीम यूज करते हो तो आपको काफी अच्छा लगेगा, ज्यादा आंखों पे आपके स्ट्रेन नहीं आएगा। तो ये
थीम का यूज करके आप डार्क मोड एक तरह से यूज कर सकते हो आपके Redmi Note 7 में। दोस्तों Redmi Note 7 के जो गैलरी ऐप है वो काफी बेहतरीन है, मतलब आपको कोई एडिटिंग ऐप यूज नहीं करना पड़ता अगर आपके पास गैलरी है Redmi Note 7 का। अगर मान लो ये कोई पीक है जो मैंने ली है, अगर इसमें से आपको कुछ इरेज करना है, कुछ ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, तो आप इस फोन में कर सकते हो इसी एडिटिंग ऐप में से, गैलरी में से ही। तो आपको एडिट पे क्लिक करना है और आपको इरेज पे क्लिक करना है। मान लो अगर आपको ये लाइट पोल के ऑब्जेक्ट को हटाना है तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको आप देख सकते हो तो पूरी तरह से ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। आपने किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं किया, इसी गैलरी ऐप में आप ऐसा कर सकते हो। मान लो रोड के जो लाइन है, अगर मुझे ये भी इरेज करनी है तो लाइंस इरेज करनी है तो लाइन का ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा और इसको इरेज कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जो रोड पे जो लाइन थी वो भी इरेज हो चुकी है, अभी ये भी लाइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर ये जो व्हाइट स्ट्रैप है ये भी अगर मुझे डिलीट करना है, हटा देना है इस पिक्चर में से, तो इसको भी मैं हटा सकता हूँ। आप देख सकते हो, तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको पिक्चर में से हटाने हैं, लाइन हटानी है, आप गैलरी से ही कर सकते हैं। एडिट में जाके इरेज ऑप्शन का यूज करना होता है, तो ये काफी बढ़िया फीचर है, गैलरी में आपको इनबिल्ट मिल जाता है। दोस्तों आप अपने Redmi Note 7 फोन से लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मतलब आप अगर चाहते हो कि ये पूरा पेज स्क्रीनशॉट में आ जाए, आप अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको पता है कि यहाँ से यही पार्ट स्क्रीनशॉट में आएगा, लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ से लेकर पूरे एंड तक, नीचे तक पूरी स्क्रीन में आए, एक ऐसी फोटो ली जाए, एक ऐसा स्क्रीनशॉट लिया जाए, ये सब उसमें आ सके, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्क्रॉल। आप जैसे स्क्रॉल पे क्लिक करोगे जो फोटो है अपने आप स्क्रॉल होती जाएगी ऊपर ऊपर, और जहां तक जिस एंड तक आपको लेना है स्क्रीनशॉट वहां तक आप जाने दे सकते हो, और जब आपको लगे कि हाँ इतना लेना है तो आप इसे डन कर सकते हो। तो इसके बाद जो आपकी स्क्रीनशॉट है वो आप देख सकते हो इस तरह बन जाएगी, तो आप इसे यहीं से एडिट, डिलीट या शेयर भी कर सकते हो। तो इस तरह आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहीं से। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हो हमें, हम उसको आंसर जरूर करेंगे। तो हैव अ ग्रेट डे।